टेक्निकल एनालिसिस में हम जानते हैं कि प्राइस जब अप ट्रेंड में रहता है तो बीच बीच में थ्रोबैक करता है, और इस थ्रोबैक के बाद अगर प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोई सिग्नल बनाता है, वहां बहुत सारे ट्रेडर्स बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के बाय कर लेता है और उस सपोर्ट एरिया का नीचे अपना स्टॉप लॉस रख देते हैं। इस तरह अप ट्रेंड में थ्रोबैक के टाइम ट्रेड करके बहुत सारे ट्रेडर्स अच्छा प्रॉफिट भी कमाता है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि अब जब यहाँ बाय करते हो तो कुछ सेशन के बाद प्राइस ऊपर ना जाके नीचे आ जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट होने के कारण लॉस करके आपको ट्रेड से निकलना पड़ता है। फिर इस तरह प्राइस नीचे जा रहा है देख के प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको लगता है यहाँ प्राइस अपना ट्रेंड रिवर्स कर रहा है और आगे ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, तो इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आप यहाँ शॉर्ट सेल कर देते हो। बट उसके बाद आपने जो सोचा था उसका पूरा ऑपोजिट होता है, प्राइस वहीं से ऊपर जाना शुरू करता है और अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने लग जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ देखा जाए टेक्निकल एनालिसिस का हेल्प से स्विंग ट्रैप बना के आपको यहाँ दो जगह फंसाया गया है। तो यहाँ पे आपको कौन फंसाता है, क्यों फंसाता है, कंप्लीट डिटेल्स विद साइकोलॉजी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। इस ट्रैप को अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो तो कैसे आप यहाँ प्रॉफिट भी कर सकते हो वो भी आपको सिखाया जाएगा। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अगर कुछ सीखने को ना मिला हो तो वीडियो को डिसलाइक करके चला जाना। इस चार्ट में आप देखोगे प्राइस अप ट्रेंड में जाते हुए फिलहाल अभी थ्रोबैक किया है और यहाँ अभी सपोर्ट फेस करके एक बुलिश कैंडल बनाया, इसका नेक्स्ट कैंडल भी एक बुलिश कैंडल बनाया, तो यहाँ बाइंग प्रेशर आने के कारण ही बुलिश कैंडल बनाया। तो अभी यहाँ एक बार सोचिए कि यहाँ जो बाइंग हुआ वो किस तरह का ट्रेडर्स यहाँ पे बाय कर रहा है। देखिए ऐसा दो बेयरिश कैंडल बनने के बाद यहाँ तुरंत कोई रिटेल ट्रेडर्स अपना बाय ऑर्डर नहीं डालेगा, रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पहले बुलिश सिग्नल जनरेट होने का वेट करेगा। तो इस जगह जो बाइंग प्रेशर आया है वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स बाय करने के कारण आया है। लेकिन आपका मन में भी सवाल हो सकता है कि बेयरिश कैंडल बढ़ने के बाद प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहाँ बाइंग प्रेशर क्यों इंक्रीज करेगा? तो आपको मैं बता दूं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स रिटेल ट्रेडर्स से मार्केट को ज्यादा समझता है। ये लोग अपने एनालिसिस से पहले ही पता लगा लेता है ये जो थ्रोबैक हो रहा है इसके बाद प्राइस रिवर्स हो जाएगा या अपने ट्रेंड को फिर से कंटिन्यू करेगा। अगर उनका एनालिसिस के हिसाब से प्राइस ऊपर जाने का चांस ज्यादा है तो ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहाँ बाइंग करना शुरू कर देता है। और आप जानते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स बहुत ही हेवी अमाउंट में ट्रेड करता है, तो उनका ट्रेड करने के कारण ही यह बुलिश सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो अभी फिलहाल यहाँ प्राइस एक्शन के हिसाब से बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानता है कि ये बुलिश सिग्नल को देख के यहाँ अभी रिटेल ट्रेडर्स बाइंग करने के लिए आएगा। अगर ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये एरिया में जितना क्वांटिटी बाय करना चाहता था उतना क्वांटिटी बाय कर पाया है तो अभी ये कुछ नहीं करेगा, यहाँ से रिटेल ट्रेडर्स बुलिश सिग्नल को देख के बाइंग ऑर्डर्स डालेगा और डिमांड ज्यादा होने के कारण प्राइस ऊपर जाएगा। ज्यादातर टाइम थ्रोबैक ट्रेड में प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसे ही पोजिशन बना के प्रॉफिट करता है, लेकिन कभी कभार प्रोफेशनल ट्रेडर्स को ये थ्रोबैक एरिया में सब क्वांटिटी बाय करने को नहीं मिलता है, उनका कंप्लीट पोजीशन बनाने से पहले ही प्राइस एक्शन के हिसाब से बुलिश सिग्नल जनरेट हो जाता है, तो बुलिश सिग्नल के बाद यहाँ रिटेल ट्रेडर्स भी बाय करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी अगर बाइंग ऑर्डर डालते ही रहेगा तो बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हो जाने के कारण प्राइस बहुत ही तेजी से ऊपर भागेगा, तो बढ़ते हुए प्राइस पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स को यहाँ माल उठाना होगा, तो इससे उनका एवरेज बाय प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो उनका प्रॉफिट भी कम होगा। तो अभी इस सिचुएशन में जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहाँ पोजीशन बनाना शुरू किया है, अगर उनके पास बहुत ज्यादा फंड है वो अगर मार्केट का प्राइस को कुछ टाइम के लिए अपने हिसाब से घुमा सकता है तब वो ट्रेडर्स अपना कंप्लीट क्वांटिटी उठाने के लिए प्राइस को एक बार इस सपोर्ट एरिया के नीचे ले जाने की प्लान करता है, क्योंकि वो जानता है यहाँ जो रिटेल ट्रेडर्स बाय पोजीशन बनाया है वो अपना स्टॉप लॉस यानी सेल ऑर्डर्स इसके नीचे रख देगा। तो इसके बाद जब रिटेल ट्रेडर्स यहाँ बाय करके अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख देता है तो ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स कुछ टाइम के लिए यहाँ सेल ऑर्डर्स डाल के सप्लाई को इंक्रीज कर देता है, जिसके चलते प्राइस इस सपोर्ट लाइन के नीचे आ जाता है और स्टॉप लॉस का सेल ऑर्डर ट्रिगर होने लगते है। इसके कारण यहाँ सप्लाई और थोड़ा इंक्रीज होता है और ऐसा सप्लाई इंक्रीज हो रहा है देख के अदर ट्रेडर्स और जिनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है उनमें से कुछ ट्रेडर्स शॉर्ट सेल करके प्रॉफिट करने के लिए सेल ऑर्डर डालता है, ऐसे में इस एरिया पर सेलिंग का सप्लाई और भी ज्यादा हो जाता है। अभी ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस सप्लाई एरिया में अपना बाय क्वांटिटी उठाना शुरू करता है और यहाँ सप्लाई ज्यादा होने के कारण उन्हें इसी प्राइस एरिया में अपना क्वांटिटी उठाने का मौका मिल जाता है।
और क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर सप्लाई को एब्जॉर्ब करके बाइंग करना जारी रखता है तो प्राइस भी इसके नीचे नहीं जाता है। और ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास क्षमता है कि थोड़ा टाइम के लिए प्राइस को अपने हिसाब से घुमाने का। तो जब ये अपना सब क्वांटिटी उठा लेता है तो प्राइस को कैसे भी करके इस स्विंग के ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि इन्हें पता है कि जो ट्रेडर्स यहाँ शॉर्ट सेल करने के लिए यहाँ सेल किया था उनका स्टॉप लॉस यानी बाय ऑर्डर्स इस एरिया पे है। तो जब प्राइस ये एरिया में आ जाता है तो स्टॉप लॉस का बाय ऑर्डर हिट होने लगते है। और क्योंकि ये एक अप ट्रेंड का स्टॉक है तो यहाँ बुलिश सिग्नल को देख के और भी ट्रेडर्स नया बाय पोजीशन बनाने के लिए बाय ऑर्डर डालना शुरू कर देता है। इस तरह यहाँ बहुत मात्रा में डिमांड इंक्रीज हो जाता है और प्राइस तेजी से यहाँ से ऊपर भागना शुरू करता है। और इसी तरह यहाँ रिटेल ट्रेडर्स का ऑर्डर्स का हेल्प से प्रोफेशनल ट्रेडर्स स्विंग ट्रैप बना के लो प्राइस पर क्वांटिटी उठा लेता है और प्राइस जब ऊपर आ जाता है तब पोजीशन से एग्जिट करके प्रॉफिट बुक करता है। तो इस तरह ट्रैप में एक रिटेल ट्रेडर्स भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स के साथ ऑर्डर्स डाल के प्रॉफिट कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये स्विंग ट्रैप बनने के टाइम आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो तो आप इसमें फंसोगे नहीं। एंड सेकेंड, स्विंग ट्रैप बन जाने के बाद कुछ कंफर्मेशन का हेल्प से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो फास्ट जब ये थ्रोबैक करता है और इसके बाद बुलिश सिग्नल जनरेट करता है उस टाइम इससे आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट आपको यहाँ दिखाई देगा जिसके चलते यहाँ पे भी 50-60% अंदाजा लगा पाओगे। और ये सब पॉइंट सब्जेक्टिव है, मतलब हर एक चार्ट में आपको वो अलग अलग मिलेगा, तो वो सब पॉइंट इस थ्योरी वीडियो में डिस्कस नहीं किया जा सकता है। जब रियल चार्ट का एनालिसिस करूंगा वहां अगर मुझे ऐसा सिचुएशन दिखाई दे तब जाके डिटेल्स आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट आप देखोगे जब रिटेल ट्रेडर्स यहाँ बाय करना शुरू करेगा उसके बाद से कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जनरली नहीं बनता है। नेक्स्ट, जब प्राइस को इस सपोर्ट एरिया के नीचे ले जाया जाता है वहां से प्राइस ज्यादा नीचे नहीं जा पाता है, इसी सपोर्ट एरिया के पास ही ट्रेड करता है। नेक्स्ट, इस एरिया में प्राइस को ज्यादा टाइम नहीं रखा जाता है, कुछ कैंडल्स या एक दो कैंडल्स में ही प्राइस को इसके ऊपर खींच लिया जाता है। इसके अलावा और भी छोटा छोटा पॉइंट होता है, जब आप खुद ट्रेड करोगे तब वो सब छोटा छोटा पॉइंट आपको समझ में आने लगेगा। अब ये स्विंग ट्रैप बन जाने के बाद इस जगह से आप बाय करके आगे का मूव से प्रॉफिट कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन से बाइंग सिग्नल जनरेट होना चाहिए। नेक्स्ट, कंफर्मेशन के लिए प्रीवियस स्विंग हाई से उसका प्रीवियस स्विंग हाई तक ट्रेंड लाइन खींच लेना है। लेटेस्ट कैंडल में प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होना चाहिए। नेक्स्ट, चार्ट के ऊपर 10 पीरियड मूविंग एवरेज प्लॉट कर लेना है। लेटेस्ट कैंडल का क्लोज 10 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। इस तरह आप इस स्विंग ट्रैप को ट्रेड करके प्रॉफिट कर सकते हो। और इस ट्रैप को अगर आप आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर पाते हो तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने का चांस रहता है, क्योंकि इसके बाद जब प्राइस ऊपर जाता है तो बहुत ही स्पीड से काफी ऊपर चला जाता है। और ये ट्रैप आपको सभी टाइम फ्रेम कैंडल में देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप इंट्राडे के लिए 5 मिनट और 15 मिनट चार्ट में ढूंढ सकते हो एंड शॉर्ट टर्म स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए 1 डे और 1 वीक चार्ट में ढूंढ सकते हो। ये स्विंग ट्रैप ट्रेड आपको डाउन ट्रेंड में भी देखने को मिल जाता है। यहाँ जो प्रोफेशनल ट्रेडर से वो सेल साइड ट्रेड करने के लिए इस ट्रैप को क्रिएट करता है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में ही ट्रेडर्स का साइकोलॉजी सेम है, सिर्फ जो स्ट्रक्चर है वो उल्टा हो जाएगा। अप ट्रेंड का साइकोलॉजी और स्ट्रक्चर अगर आप ठीक से समझ गए हो तो डाउन ट्रेंड को भी आप आसानी से अपने आप समझ सकते हो। इस वीडियो में अगर कुछ सीखने को ना मिला हो तो डिसलाइक कर देना, अगर कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को शेयर करना। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कॉन्सेप्ट के साथ।